हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ये एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल ही होता है, दिख रहा है ना ऐसा रॉड शेप्ड का। दिस इज अ रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाद हमारी जो ये फोल्डेड, जो ये ऐसे ऐसे फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टे। और ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। सो दो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। उसके बाद हम बात करते हैं जो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, कुछ एंजाइम्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। और जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है ये वाला, इसको बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जैसे कि हमें पता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब एक चीज़ जो कि माइटो हमारे पता है, हमें सेल में हमारे सिर्फ तीन ही ऑर्गेनलीज ऐसे हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। फर्स्ट वन हमारा न्यूक्लियस, सेकंड है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एंड थर्ड वन हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे सिर्फ ये तीन ही ऑर्गेनलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रखते हैं। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था किसके थ्रू? कॉलिकर, एंड द टर्म गिवन बाय बैंड्रा। तो ऑब्जर्व तो सबसे पहले किया था कॉलिकर ने, लेकिन जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था वो सबसे पहले दिया था हमारा बैंड्रा ने। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके पास हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होते। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के। तो सबसे मेन फीचर है इसका, फर्स्ट तो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जो इसके इनर मेम्ब्रेन है, जो उसके फोल्ड्स हैं, ये वाले फोल्ड्स, जो ये फोल्ड्स हैं जो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे हमारा इसके पास इसका खुद का होता है डीएनए, तो इसलिए भी इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज। ये खुद के डीएनए की वजह से, इसके पास राइबोसोम भी होते हैं, डीएनए भी होता है, तो ये अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता प्रोटीन बनाने के लिए। और ये रेप्लिकेट भी कर सकता है, कोई भी एक्टिव सेल होंगी जहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर इसलिए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो ये डिवाइड भी हो सकता है क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एटीपी जनरेट करता है जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है। किसी भी हमारी मसल सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी वो एटीपी के फॉर्म में लेती है, उनको तोड़ के फिर एनर्जी जनरेट होती है, उसका यूज करते हैं। तो ये हमारा है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सब थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, थैंक यू।